जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट हो, जिस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एल्गोरिथम अगर रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट में हमेशा चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट में हमेशा चेंज होती रहती है, चाहे वो एनवायरनमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें एक चेंज के आने का अमल वो मुसलसल जारी होता है, चेंज तो होती रहती है, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। इस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस, कहते हैं स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर खास किस्म के एक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कानों तक आवाज आ रहा है तो ये रिसेप्टर्स हैं, हम कोई चीज देख रहे हैं आई सी, ये रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स में भी कई ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। रिसेप्टर्स का काम होता है इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और आगे इसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और स्टिमुलस को आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ ये इस इंफॉर्मेशन को भेज देना। रिसेप्टर का काम कभी भी नहीं होगा कि वो चेंज आती है तो फौरन उसको जो रेस्पॉन्ड करे, रेस्पॉन्ड करना रिसेप्टर्स का काम नहीं होता है। इनका काम होता है एक तरफ से इस स्टिमुलस से आप चेंज को डिटेक्ट किया, दूसरी तरफ से इसको आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ तो ये भेज देते हैं। हर एक जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। तो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड इधर एक इंटीग्रेशन होगी, बिकॉज पहले से एक कोई सेट पॉइंट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, कंट्रोल सेंटर के अंदर सेट पॉइंट मौजूद होती है, फिक्स्ड है। अब उससे अकॉर्डिंगली चेंज हुई है, चेंज जिसको हम कहते हैं ना, पहले जो कंट्रोल सेंटर के अंदर जो चीजें एक सेट पॉइंट की मैकेनिज्म में जैसे मौजूद है, पर अब उसमें चेंज आ गई है। चेंज का मतलब है उसमें तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई है तो किस तरह की तब्दीली आई, जैसे अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, नॉर्मल लेवल है, वो इधर कंट्रोल सेंटर के अंदर फिक्स है। जैसे अब उसके अंदर कोई चेंज आई है, चेंज का मतलब होता है या कम हो गई है या ज्यादा हो गई ब्लड शुगर लेवल, तो यकीनन एक ऐसी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी उसके बाद उस शुगर लेवल को वापस नॉर्मल रेंज में लेके आना है। ये ऐसी मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे डिसाइड होगा। एक तरफ से स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस की इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी, वो किधर होगी, इस कंट्रोल सेंटर। फिर क्या होगा कि एक एप्रोप्राइट ऑर्डर, वो ये एप्रोप्राइट कोई भी सुइटेबल एप्रोप्राइट उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कैसे, जैसे अगर कोई वैल्यूज बढ़े हुए हैं तो उसको वापस डिक्रीज करना होता है, अगर कोई इंक्रीज वैल्यू की रिपोर्ट आई है ब्रेन के पास तो उसको डिक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल तो एप्रोप्राइट जो कमांड्स या जो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ से रिलीज होंगे इस कंट्रोल सेंटर से, किधर जाएंगे, जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ। इफेक्टर ऑर्गन मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सब इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। इफेक्टर्स तक ये ऑर्डर जाएगा और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। आम तौर पे जनरली हम ऐसे ही नोट करते हैं कि स्टिमुलस का कोई बदला जो है रेस्पॉन्स होता है, पर यकदम कोई भी रेस्पॉन्स ऐसे प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके लिए बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑर्गन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे आई से मैसेज जाता है ब्रेन में, जाता है ब्रेन जो हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे इस रूम के अंदर कोई छुपकली जो है बाल लिजर्ड नजर आ जाए तो फिर हम कहते हैं अच्छा छुपकली है, वो हमारी आंखों ने देखा, ब्रेन तक मैसेज आएगा। ब्रेन के अंदर पहले से उस बाल लिजर्ड के बारे में हमारे यहाँ आइडियाज मौजूद है, खौफ की अलामत जैसे मौजूद है, तो यकीनन हम डर जाएंगे, भागेंगे छुपकली से, इतने बहादुर है तो ये काम कौन करेगा, ये हमारे लेग्स करेंगे, इफेक्टर मसल्स करेंगे। तो छुपकली को देखा और हम भाग गए, तो ये हमारा जो हुआ रिस्पॉन्स हुआ स्टिमुलस। इसके अंदर क्या हुआ, स्टिमुलस हुई छुपकली वाल लिजर्ड, रिस्पॉन्स हमारा क्या हुआ, रिस्पॉन्स ये हुआ उसको देख के भागे। तो
तो इससे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म होती है। और ऐसी कोऑर्डिनेशन जैसे एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल्स के जरिए जिसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। पुराना बुक था उसके अंदर एक सिंगल चैप्टर के अंदर ये दोनों टॉपिक्स थे। आज जो हमारे यहाँ नया टॉपिक नया बुक मौजूद है तो उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन का अलग ही चैप्टर है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो थ्रू नर्वस सिस्टम होती है। एक और भी कोऑर्डिनेशन होती है जिसे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है, केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम, उसके भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके जरिए नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है जिसका नेम होता है न्यूरॉन होता है, तो आज सबसे पहले हम न्यूरॉन की हेडिंग तो सीखेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक और न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो उनको हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन, टिपिकल न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है एक जिसे आम जबान में नर्व सेल कहते हैं, न्यूरॉन इज कॉमनली कॉल्ड एज नर्व सेल। न्यूरॉन इज कॉमनली कॉल्ड एज नर्व सेल। नर्व सेल है तो यकीनन इसके अंदर जो सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है वो सब मौजूद होंगी। कौन सी स्ट्रक्चर, जैसे न्यूक्लियस इज दियर, साइटोप्लाज्म इज दियर, और उसके अलावा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मौजूद है। टिपिकल सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी सब मौजूद होते हैं, पर एक खास किस्म की इसकी फंक्शनिंग है कि सिग्नल या स्टिमुलस को ये रिसीव करते हैं और देन आगे कंट्रोल सेंटर की तरफ भी भेज सकते हैं, या कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक कमांड या ऑर्डर भी ले जा सकते हैं, और कंट्रोल सेंटर के अंदर न्यूरॉन्स ही होते हैं जो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में आगे आपको पता है कि थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, और ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड जो है इसमें इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इंटीग्रेशन करते हैं, और कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक मैसेज ले जाने का काम ये मोटर न्यूरॉन करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर ये थ्री टाइप्स के न्यूरॉन भी मौजूद है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट एक न्यूरॉन के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो न्यूरॉन के कंपोनेंट्स को हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम नोट करते हैं कि इसके अंदर साइटोन और सेल बॉडी, या जिसे सोमा भी कहते हैं, साइटोन या सेल बॉडी या सोमा, ये जो एरिया है सारा साइटोन साइटोन है, जिसे सोमा भी कहते हैं और सेल बॉडी भी कहते हैं। सोमा सेल बॉडी, साइटोन सोमा सेल बॉडी। उसके अंदर एक खास निजल्स सब्सटेंस, निजल्स ग्रेन्यूल्स और निजल्स सब्सटेंस, निजल पर्सन का नेम है, निजल्स ग्रेन्यूल्स और निजल्स सब्सटेंस किसके बने हुए, ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स के बने होते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन से निजल्स सब्सटेंस बनते हैं। इसी साइटोन से एक एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स के, ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है तो उसे कहते हैं ये डेंड्राइट्स है। डेंड्रो लफ्स की मीनिंग ही होती है ट्री लाइक, डेंड्राइट्स हैं, और जिनका काम होता है वेरी इंपॉर्टेंटली सिग्नल्स को या इंपल्स को रिसीव करना, रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। सिग्नल या इंपल्स जो है रिसीव करेंगे ये डेंड्राइट एंड से, रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन आर द डेंड्राइट्स, रिसीविंग एंड। देन ये सिग्नल जो आगे कन्वे होगा, इधर कन्वे होगा एक लॉग फाइबर की तरफ, जिसे हम कहते हैं एग्जॉन कहते हैं। लॉग फाइबर ये एग्जॉन है, पर एग्जॉन की जो ओरिजिन होती है यू नो वेरी वेल, एक
specific part that is called the axon hillock. Pyramid like structure axon hillock. Axon hillock, ये जो pyramid like structure है सोमा के अंदर, जो इसमें से जो axon लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है, इससे लॉन्ग फाइबर axon जो है वो ओरिजिनेट होता है. Axon axon को कहेंगे कंडक्टिंग एंड. Axon इज कॉमनली कॉल्ड द कंडक्टिंग एंड. कंडक्टिंग एंड क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे सिग्नल को आगे कन्वे करना, भेजना किधर. यकीन जैसे ये हमने बनाई है जो मोटर न्यूरॉन की है, तो मोटर न्यूरॉन जो आगे सिग्नल या ऑर्डर या कमांड इफेक्टर ऑर्गन तक देंगे, इफेक्टर ऑर्गन तक ये कमांड या ऑर्डर या सिग्नल्स देंगे, तो इसके सामने जो यकीनन कोई एक इफेक्टर ऑर्गन होगा. फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है मसल्स, तो ये सिग्नल या ऑर्डर जो है मसल्स की तरफ जाते हैं. मसल्स जो इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मसल है, मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सार्कोलेमा, उसके साथ मायोफाइब्रिल के साथ नहीं सार्कोलेमा. जैसे ये मसल सेल उसके साथ ये जो है आपके जो एक जंक्शन बनाते हैं जिसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट के, आपने जैसे पढ़ा है, तो इससे कहते हैं कंडक्टिंग एंड निकाल लेते हैं एग्जॉन. और इसके जो ये एड्स होते हैं इन्हें कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल के, इन्हें कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल. ब्रांचेस जो मौजूद है इसे कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल. अगर एग्जॉन टर्मिनल को देखा जाए कि व्हाट इज प्रेजेंट इन एग्जॉन टर्मिनल, जैसे आपको एग्जॉन टर्मिनल के बारे में पढ़ा था मसल कॉन्ट्रेक्शन के हवाले से, ये सिग्नल या मैसेज जो पहले जो इलेक्ट्रिकल है आखिर में ये सिग्नल या मैसेज इधर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. किस तरह से, इसके अंदर काफी सारी वेसिकल्स है, काफी सारी वेसिकल्स है, सैक्स है, बैग्स है, और इन वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. इन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल और सिंपली वेसिकल कहते हैं. सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिंपली वेसिकल्स कहते हैं, और इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल होता है जिस केमिकल का नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर. केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स. वेसिकल नोट करेंगे कि ये शोन सेल पर्सन का नेम, और यही जो है सेल जो है माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल शोन सेल. माइलिन लिपिड है, उसकी शीथ प्रोड्यूस होगी. अब इस शीथ प्रोड्यूस होने का आगे जैसे ये फायदा होता है इंसुलेशन का काम, प्रोटेक्शन का, और नंबर टू इंपल्स जो है या सिग्नल है उनकी जो फास्ट क्विकर कंडक्शन होती है या सिग्नल या फास्ट ट्रेवल करने होते हैं, तो उस कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. साल्टेटरी कंडक्शन सिग्नल्स की साल्टेटरी कंडक्शन. साल्टेटरी का मतलब ये होता है जंप देना. जैसे ये नर्व इंपल्स है, एक पॉइंट है, दो शॉन सेल्स के दरमियान एक पॉइंट होती है जिसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. दो शॉन सेल्स के दरमियान एक पॉइंट होगी उसे नोड ऑफ रेनवियर. रेन पर्सन का नहीं रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर पे ये सिग्नल आएंगे. स्पीड के बारे में मोटर इफेक्टर ऑर्गन का कमांड या ऑर्डर लेके आता है, दूसरे लेते हैं मोटर ड्यूरन कहते हैं. अलग अलग पॉइंट्स बना के पहले इलेक्ट्रो इन नेचर होते हैं, जितना जैसे सिग्नल या इंपल्स आए यहाँ तक इलेक्ट्रो होता है, और यही इलेक्ट्रो सिग्नल देन जो है केमिकल सिग्नल में फर्दर कन्वर्ट होता है. मैसेज जो है
केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो नर्व इंपल्स जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है। नर्व इंपल्स पढ़िए, स्टेट्स इन द नर्व कोऑर्डिनेशन, स्टेट कौन से हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्टिमुलस दैट इज रिसेप्टेड बाय द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ये इंफॉर्मेशन आगे कंट्रोल सेंटर में जाएगी, कंट्रोल सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑर्डिनेशन के बाद एक एप्रोप्राइट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन एक एप्रोप्राइट सिग्नल कमांड ऑर्डर इफेक्टर तक आता है। ये सारे स्टेप्स है, न्यूरॉन भी पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स और सिनेप्स। एक ऐसे जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है और केमिकल सिनेप्स है, जो अभी जो हमारा नया बुक आया है उसके अंदर ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, डिटेल में टॉपिक मौजूद है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसके अंदर काफी क्वेश्चन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद जैसे ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स हैं सारे, हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर दोबारा आएंगे तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्सिव आर्म, लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन एंड ब्रेन की स्ट्रक्चर टोटल हमें पढ़नी है। तो ये सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेक्शन है, बाकी रिमेनिंग जो है जितने भी है ये सब जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है जिनकी लर्निंग ऑब्जेक्ट इसी के अंदर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। पर पहला आज जैसे टॉपिक है वो है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी देर पहले हमने ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाया था जो टॉपिक भी है हमारी बुक के अंदर इंक्लूड भी है। स्टिमुलस जो चेंज होती है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, चेंज को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर आगे इंफॉर्मेशन किधर भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर या सेट पॉइंट में भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि वहां पे चीजों की हर चीजों की कोई ना कोई जैसे एक लाइक सेट पॉइंट मौजूद होती है। चेंज क्या है, चेंज ये स्टिमुलस है वो चेंज है, अब उसकी जो है एनालिसिस होगी कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। फिर एक एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर जो इफेक्टर्स तक जाएगा और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो चेंज आई थी ना वो करेक्ट हो गई, चेंज करेक्ट हो गई तो ये होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म रिस्टोर हो जाएगी और इस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे आईज के अंदर मौजूद हैं तो उन्होंने कोई ऐसी चेंज जैसे डिटेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल चेंज डिटेक्ट ये की है कि हमको जैसे कोई जैसे चुभने वाली चीज लगी है या लगने वाली है या टच हो रही है, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो किधर जाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाएगी। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में से इंटीग्रेशन होने के बाद जो मोटर आउटपुट है वो अल्टीमेटली मसल्स को जाएगी और मसल्स से जो है इफेक्टर ऑर्गन्स है और मसल्स से रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस मैकेनिज्म में या पैटर्न में नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये हमारे बुक के अंदर तो नहीं है पर ओवरऑल एक जैसे हेडिंग है, तो क्योंकि एसटीडी नए बुक के अंदर ये नहीं है कि हाउ नर्वस कोऑर्डिनेशन वर्क, तो ये थोड़ी सी अदर देन एसटीबी बुक है पॉइंट्स है जो अभी हमारे पास एसटीबी बुक है उसके अंदर ये पॉइंट नहीं है, पर ईएमसी के सिलेबस के अंदर एक हेडिंग मौजूद है तो उसके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करना है कि वर्किंग टूगेदर आर वेरियस ऑर्गन, बिकॉज जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई सिंगल सेल नहीं होता है, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में अगर वर्क करेंगे तो एक स्मूथ फंक्शन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, अदरवाइज कोई भी प्रॉपर फंक्शन मेंटेन नहीं होगा। The body of an organism in a proper manner to produce appropriate reaction to a stimulus is called as a coordination. Just a coordination की definition है. Then और मज़ीद दो definition है कि stimulus क्या है और response क्या है. Stimulus change है. Change in environment. कौन सा environment may be internal or external environment हो सकता है. Which in the organism respond and reacts. उसी change को जो कोई भी organism जाहिर है, कोई living organism होगा यकीनन उस चेंज को डिटेक्ट भी करेगा, देन उसके बाद उसका कोई ना कोई रेस्पॉन्स भी होगा, तो इस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं।
चेंज का जो बदला होता है वो रिस्पॉन्स होता है. रिएक्शन टू स्टिमुलस, सिंपल वर्ड्स में रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा सा है कि चोट लगती है या कुछ कोई मार पड़ती है तो उसका रिएक्शन ये होता है, रो पड़ता है, तो ये उसका जो रिएक्शन होता है. अचीव्ड बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. ये जो कोऑर्डिनेशन किस तरह से, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है. एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हम नर्वस सिस्टम के जरिए पढ़ेंगे, और दूसरी कोऑर्डिनेशन होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन. यकीनन हम हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे. फर्दर मोर इन द प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन्स विद इन लिविंग थिंग इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द अनदर. जैसे देखें आइल ग्रेन और इफेक्टर मसल्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक स्मूथ फंक्शन काम उसका काम करने के लिए जो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. जैसे अगर आईज कोई चीज ऐसी खराब चीज देख रहे हैं, खड्डा गड़ा देख रहे हैं, तो यकीनन आईज तो मैसेज देंगे ब्रेन को. ब्रेन क्या डिसाइड करेगा कि भाई इससे पत्थर से, खड्डे से, गड़े से थोड़ा टर्न होना चाहिए. रोड साइड भी गाड़ी आ रही है, बिल्कुल हॉर्न दे के आ रही है, गाड़ी हमारी आंखें देख भी रही है, हॉर्न उनका जो कानून लगा रहा है, और फिर भी अगर हम रोड सेंटर ऑफ द रोड से नहीं हटेंगे तो जाहिर है हिट होगी. तो उसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम फौरन यही होगा कि एक तरफ से टर्न किया जाए, मसल्स को ऑर्डर आएगी, कमांड आएगी, और हम एक साइड भी हो जाएंगे, अदरवाइज जैसे कोई अनलकीली एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसके लिए यानी एक दो या मुख्तलिफ आर्गन से एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं. This biological coordination is especially in reference to the brain, giving orders or orders then यकीनन जो किसके पास जाएंगे effector organs तक जाएंगे जो response produce करेंगे. अभी हमने जो neuron की structure पढ़ी है तो उसकी illustration देखते हैं. जैसे ये neuron का cyton या cell body है जिसके अंदर nucleus main है, और इसके अलावा और भी सब्सटेंस है, ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं जिसके अंदर आरईआर और राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, गोल्जी बॉडीज भी होगी. ऐसे नहीं कि सिर्फ निजल्स सब्सटेंस, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ निजल सब्सटेंस. निजल सब्सटेंस के अलावा सब चीजें मौजूद होती हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडीज भी होते हैं, और ये पार्ट जो है न्यूरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जैसे आप देखें एग्जॉन टर्मिनल है, तो इधर इसके अंदर वेसिकल है, और वेसिकल के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. ट्रांसमीटर प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस इसी साइटोन में होते हैं. तो जाहिर है इतने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जरूर होंगे ना, तभी इन्हें प्रोड्यूस किया होगा. इसी तरह से आप ये ट्री लाइन जैसे अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, जैसे कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, या आप इन्हें जो है डेंड्राइट्स कहते हैं. डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हैं जो रिसीविंग एंड है, सिग्नल या इंपल्स को रिसीव करेंगे. डेंड्राइट एंड के बाद जैसे एक पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम है एग्जॉन हिलार्क है. एग्जॉन हिलार्क के बाद ये लॉन्ग फाइबर जा रहा है जिसका नेम है एग्जॉन है, और उसके बाहर जो एग्जॉन के बाहर किन न्यूरॉन्स के अंदर शॉन सेल होते हैं जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ये शॉन सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, पर्पल कलर जो कलरेशन आपको नजर आ रही है ये न्यूक्लियस है शॉन सेल का, और वही माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है. तो इसी तरह से वन शॉन सेल है, एक सिंगल शॉन सेल, दो शॉर्ट सेल्स के दरमियान एक स्पेस होता है, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं. और ये जो माइलिन शीथ है एग्जॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, इसको प्रोड्यूस किसने किया, इसको प्रोड्यूस किया इस शॉर्ट सेल ने किया. और आखिर में लास्ट में जो एग्जॉन टर्मिनल है, एग्जॉन टर्मिनल के अंदर आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंटली अगर एग्जॉन टर्मिनल में देखा जाए, पहले थोड़ा एग्जॉन टर्मिनल को देखते ही होता क्या. जैसे ये एग्जॉन टर्मिनल है, एग्जॉन टर्मिनल के अंदर वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है. जैसे हेडी बोन से देंगे सिनेप्टिक वेसिकल और ये जो थोड़ा सा राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बिकॉज एग्जॉन टर्मिनल ऐसी सीधी नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर नॉब लाइक थोड़ा सा राउंडेड पार्ट मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब. इसे हम कहेंगे सिनेप्टिक नॉब, ये जो थोड़ा सा राउंडेड हेड लाइक जो पार्ट है, ओवरऑल इस पूरे पार्ट को सिनेप्टिक नॉब कहेंगे. तो इसके अंदर जो वेसिकल्स हैं और वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज होंगे सिनेप्टिक जैसे एक गैप होता है, और देन जो इफेक्टर कोई सेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मसल सेल के बारे में हमने पढ़ा था,
ट्रांसमीटर बाइंड होंगे, देन आगे जो है इलेक्ट्रो मैसेज जो आगे केमिकल मैसेज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। और आप जैसे ये न्यूरॉन की इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, मेजर सब्सटेंसेस है, डेंड्राइट्स है, पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इधर इलर का, और उसके बाद लार्ज फाइबर है जैसे ये एक्सॉन कहेंगे, ये एक्सॉन टर्मिनल है और एक्सॉन इथेनॉल Thank you.